बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट वर्दा शुएब और एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ हमारे अपने बल्कि आपके अपने शो रिवायतों की लज्जत में। आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही रिवायती रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत ही फेमस है। आजकल हमारी फूड स्ट्रीट की जो है वो रौनक है और तमाम महफिलों की जान है। अगर घर पर कोई दावत हो या किसी के आप जा रहे हों तो उसको बनाना और खाना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। डिश का नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, मैं चाहूँगी कि हम अपने गेस्ट को बुलाएँ उसके साथ रिवील करें, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती चलूँ इसके बारे में कि ये डिश जो है सबसे पहले जो आप कह सकते हैं कि फेमस हुई या जहाँ से इजाद हुई वो पेशावर से इसका ताल्लुक़ है। और पेशावर के खाने तो आप जानते हैं कि क्या ही बात है, उनकी बहुत सारे खाने वहाँ के मशहूर हैं। तो फिर इसके बारे में हम बातचीत करेंगे अपने गेस्ट के साथ। तो आइए सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन शेफ़ हैं। हाँ, हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको वो खाने बनाना सिखाएं जो रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल घर पे हो आपके, ताकि आप वो जायके ले सकें। तो आज हमने कहा कि हम एक बहुत ही मशहूर और फेमस रेस्टोरेंट है, हम वहाँ के शेफ़ को ही जो है अपने शो पर इन्वाइट कर लेते हैं, ताकि आपको प्रॉपर पक्का वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट जो है वो आपको घर पर मिले। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जाने माने मशहूर शेफ़ हैं, कमर्शियल रेस्टोरेंट्स में उनका नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए आइए, मैं बुलाना चाहूँगी हमारे शो पे रिजवान खान को। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी आप हमारे शो पे आए थे और आपने इतनी मज़ेदार और जानदार रेसिपी बनाई थी और उसके फीडबैक हमें इतना अच्छा आया, तो हमने कहा दोबारा से हम आपको जहमत देते हैं। और एक और रेस्टोरेंट स्टाइल आपका जो आपकी अपनी सिग्नेचर जो डिश है जिसके लिए बहुत फेमस है ये आपके रेस्टोरेंट की, वो हम रिवील करते हैं यहाँ पे अपने शो पे। तो पहले आप बताइए कि आप क्या बना रहे हैं? हम सबसे जो पेशावर की जो बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो रेस्टोरेंट की जान है और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, चपली कबाब, जो कि क्विक रेसिपी है और घर में आप आराम से और जल्दी से बना सकते हैं, टाइम बग़ैर वेस्ट किए बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। और आप देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या डालते हैं और क्या क्या बनता कैसा बनता है। चपली कबाब में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से कहते हैं कि वो पेशावर वाला टेस्ट नहीं आता। एक तो मैं ये आपसे पूछूंगी कि क्यों, दूसरा इसको तलने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है यूजुअल तरीकों से। जैसे कमर्शियल किचन में तो देखा जाए कि बड़ा सा तवा होता है, या अगर आप बाहर स्ट्रीट्स पे जो आपको चपली कबाब खाने को मिलते हैं, नज़र आते हैं, वो तरीका ही अलग होता है पकाने का। तो ये मैं आपसे पूछूंगी। अच्छा, पहले सवाल का मुझे जवाब दीजिए शेफ़, कि इसको चपली कबाब क्यों कहा जाता है? चपली कबाब इस वजह से कहा जाता है कि पश्तों में जो हम इसको चपखा कहते हैं, हाँ, तो वो होता है चिपटा। अच्छा, चपली को हम चिपटा कहते हैं, चिपटे से जो है ना फिर वो मशहूर हो गया चपली कबाब में। वर्ड्स चेंज होते हैं, चिपटा के बिल्कुल पतला करके तवे पे हम यूं करते हैं ना, और चिपटा बन जाता है, तो उसको फिर नाम दे दिया चपली कबाब। चपली कबाब, सही। तो शुरू करें हमारी रेसिपी? बिल्कुल शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करें। अच्छा, आप मेरे ख्याल से यहाँ पे आएंगे? यहीं पर चले, हमारे पास सब कुछ ही रेडी है, सब कुछ हमने मिक्स करना है इसमें, और सिर्फ हम ये देखेंगे कि इसमें डलता क्या क्या चीज़ है। अच्छा, आपने कीमा कौन सा लिया है? बीफ लिया है, मटन लिया है? बीफ लिया है हमने, बीफ लिया है, बीफ लिया है। थोड़ा सा फैट हमने इसमें कम किया है, क्योंकि हम इसमें बेसन अंडे का इस्तेमाल तो वैसे ही होता है, लेकिन फैट हमने फिर भी थोड़ा सा कम किया। फैट वैसे ही लोगों के लिए, ब्लड प्रेशर लोग हैं, हार्ट के मरीज हो गए, तो उनके लिए घर में अगर आप बनाने चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे आप ये बताइए, क्योंकि कहते हैं कि एक चपली कबाब में फैट का होना लाजमी है, चर्बी का होना, क्योंकि उससे भी फ्लेवर आता है। जैसे कि अगर हम बारबेक्यू पे कबाब, सीख कबाब इस्तेमाल करते हैं या सीख कबाब हम बनाते हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि आप 30-20% जो है वो आप फैट उसमें लाजमी रखें। तो इसमें हम क्वांटिटी हम कम ही रख रहे हैं। कितना परसेंट आपने लिया है? हमने तकरीबन के जैसा कि हमारे पास 400 ग्राम हमारे पास है बीफ है, और इसमें 100 ग्राम हमने इसमें फैट का इस्तेमाल किया। अच्छा जी, अच्छा, तो जरूरी कोई मखसूस जगह का फैट, लाइक किडनी के ऊपर वाला फैट या फिर इस तरह का, या फिर कोई भी फैट आप ले सकते हैं? कोई भी फैट, मतलब सख्त जान वाला होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि चक्की का हो गया, और सबसे बेहतर है, वही डाल सकते हो, या तो गाय में, गोश्त में वैसे ही चर्बी होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये 1 kg हमारे पास जो है ना तकरीबन आधा किलो कीमा है, जैसे कि 400 ग्राम हमारे पास कीमा हो गया और 100 ग्राम जो है ना हमने इसमें चर्बी का इस्तेमाल किया, तो हम इसमें तकरीबन जीरा का इस्तेमाल करेंगे 1.5 टीस्पून जी, और ये तकरीबन एक बड़ा जो है ना चम्मच हम इसमें डालेंगे, ये तकरीबन 2 टीस्पून फुल भर के। अच्छा, भर के धनिया पाउडर नहीं, कुटा हुआ क्रश किया हुआ। अच्छा, फ्रेश क्रश धनिया जो है 2 टीस्पून भर के। हाँ, और ये भी क्रश है, ये भी तकरीबन 2 टीस्पून, क्योंकि हमने कीमा हमारे पास जितना है, और हसबे जाएगा, आप अगर थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। सही,
और इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी तकरीबन कोई एक चम्मच के बराबर। हम इसमें हल्दी का यूज़ करेंगे, हल्दी पाउडर कलर के लिए और थोड़ा सा जायके के लिए। अच्छा, आपने हाफ टी स्पून डाला है, हाफ टी स्पून डाला है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। अच्छा, बेसन हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं, एज ए बाइंडिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। बाइंडिंग के लिए, और इसका अपना भी एक फ्लेवर है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप जौ के आटे का इस्तेमाल करें, कोई कहता है कि आप चक्की का आटा लें, कोई कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, सिर्फ बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करना। इसका फ्लेवर पे भी फर्क पड़ता है कि अगर आप जौ के आटे का इस्तेमाल करें या बेसन का इस्तेमाल करें। इसमें तो अगर हम ये बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसका अपना एक फ्लेवर है, आटे का अपना एक फ्लेवर है। तो आप क्या कहते हैं, आप बेस्ट क्या है इस्तेमाल? बेस्ट तो ये चने मकई का आटा हो गया। अच्छा, ये मकई और बेसन का आटा तो अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, एक का और मकई का आटा जो है ना, वो आपको पता है अलग होता है, सही। तो ये हम जो हम मकई का आटा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मकई का आटा इस्तेमाल करेंगे, मकई का आटा इस्तेमाल करेंगे। ये हम तकरीबन कोई हम 3 चम्मच डाल रहे हैं इसमें। 3 टीस्पून या टेबल स्पून 3 टेबल स्पून मकई का आटा। इसमें चॉप ऑनियन, 1 अदद प्याज, सही, मीडियम साइज की प्याज है 1 अदद, सही। आधा किलो कीमे में आपने 1 मीडियम साइज चॉप प्याज डाली है, और तकरीबन 1 अदद 1 से 1.5 अदद टमाटर, टमाटर के बीज निकाले, बीज निकाल के। अच्छा, रीजन क्या है इसका बीज निकाले? क्योंकि बास जगह हम जब बाहर जाते हैं तो टमाटर एक ऊपर से भी उसमें लगा हुआ होता है, उसके लिए हम करेंगे। अच्छा, लेकिन करेंगे। वो हम गार्निश में करेंगे। अच्छा। क्योंकि बीज जब हम इसके अंदर डालते हैं ना, तो बीज जो है ना वो पानी छोड़ता है, और पानी जब छोड़ता है ना, तो वो कीमे को बाइंडिंग जिससे जो है ना वो खत्म कर देते हैं, कबाब फट जाते हैं, कबाब फट जाता है और फैल जाता है। तो माइट भी कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हम कबाब बनाते हैं तो कबाब फट जाते हैं। तो क्या पता आप जो है ये मिस्टेक करते हो कि आप जो है वो बीज नहीं निकालते हो टमाटर के, राइट? जी हाँ, ये ग्रीन चिली है, तकरीबन 2 से 3 अदद, हस्बे जायका, मतलब जितना आप चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कर लें। अच्छा, और इसमें हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन कोई 1 टीस्पून हाँ, जितना चाहिए हो। और हम इसमें एक नाइफ मुझे अगर मिल जाए तो। सर जी, आपको तो शेफ नाइफ चाहिए होगी, ये वाली दूं या दूसरी वाली? यही वाली, यही वाली, यही वाली, ये लीजिए, सही। अच्छा, जब तक इसको आप मिक्सिंग करेंगे, हम एक ब्रेक ले लें, आप कटिंग करें। एक अंडा भी डालना है इसके अंदर, सही। हम एक अंडा और ये चॉप करके धनिया बारीक डालते हैं, जब तक वक्त हो गया है एक ब्रेक का। तो जनाब कहीं जाइएगा नहीं, इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, अभी कुछ नहीं करें, मैं यहीं पर ही शेफ को जो है वो स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ आपके सामने करें। तो जल्दी से जाइए, फटाफट से वापस आइए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और हम बना रहे हैं चपली कबाब। और ब्रेक पे जाने से पहले शेफ जो हैं वो धनिया चॉप कर रहे थे बारीक बारीक सा, तो उन्होंने कर लिया है। और अब क्या करेंगे इसमें? हम इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 अंडा 1 अदद, मतलब 1/2 kg में 1 अदद अंडा, 1 अदद अंडा, सही। ये हमने डाल दिया इसमें, अब हम उसको मिक्स करेंगे। ओके, अब इसकी मिक्सिंग करेंगे इस तरीके से। अच्छा शेफ, हाथ से कहते हैं कि मिक्स करें तो अच्छा जायका आता है, हाथ का भी जायका आता है। हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे इसमें, करेंगे जी हाँ। वो तो बनाने के लिए हम करेंगे ना, मिक्स भी करेंगे और अच्छा। हम जब इसको फ्राई करेंगे तब भी इसमें होगा। वो टेक्निक मैं चाहूंगी कि हम बहुत स्पेशली गौर से अपने व्यूअर्स को दिखाएं, ताकि वो भी सीख सकें। हाँ। कि क्योंकि अच्छा, इस तवे पे तो आपके मेरे ख्याल से एक कबाब ही बनेगा, जिस तरह बड़े साइज का बनता है। नहीं, हम जिसको छोटे कबाब बनाएंगे, क्योंकि ये तवा जो है ना वो बीच में है ना, वो तवा जो होता है ना चिपटा होता है, वो काफी बड़ा होता है। हाँ, और वो डीप डालना पड़ता है, डीप होता है, ये डीप नहीं है। तो इसमें हम छोटे छोटे चपली कबाब बना लेंगे। अच्छा। ताकि घर में जो है ना बच्चे तकरीबन एक बाइट तरीके से खा सके। अच्छा, ताकि घर में भी आप कैसे इस तवे, क्योंकि घर में यूजली यही साइज का तवा इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल से, और ऐसे ही तवा मेजोरिटी घरों में होता है। तो आप इस तवे पे कैसे चपली कबाब बना सकते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन कोई हमको 30 मिनट का हम चाहिए फ्रिज में रखे, ताकि ये बैंड हो जाए, बिल्कुल जम जाए। जमने के बाद फिर हम इसको चपली कबाब को जब हम इसको बनाते हैं, बनाने के बाद क्यों थोड़ा सा सख्त होता है। अच्छा। और अंदर से सॉफ्ट होता है, जब हम इसको करते हैं ना तो ये मेल्ट नहीं होता,
अच्छा आप भी एक आप शेफ, बीइंग अ शेफ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी. ये बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस कुछ आई थी और बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी कि एक लिक्विड डो कहते हैं कि पराठा चलता है और क्या कहते हैं, या फिर कोई भी आप स्टार्च यूज़ करते हैं तो उसको आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं, आप उसी वक्त ही घोलें और बना लें. क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है. अच्छा आप कहते हैं कि कोई भी स्टार्च जो स्टडी कहती है हमारी कि कोई भी स्टार्च हो उसको आपको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना चाहिए इंस्टेंटली. वो ऐसे ऐसे जैसे आपने खीमे के लिए कहा कि इसमें आपको रेस्ट देना है, तो हाँ. क्या ये बात सही है या नहीं? क्या ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो चीज़ हम मैरिनेट करते हैं किसी भी, मतलब चिकन, बीफ, फिश, कोई भी जितने भी मीट्स हैं, उसको तकरीबन हमको कम से कम 15 से 25 से 30 मिनट का हमको टाइम देना चाहिए. नहीं, मैं आपसे आटे की ही बात पूछ रही हूँ. जैसे कि अगर आटा मिलाते हैं, हाँ. या हम कोई आटा बना के रखते हैं, या आटा गूंथते हैं, या हम डो बनाते हैं, या हम बेसन घोलते हैं पकौड़े बनाने के लिए, तो उसको हमें रेस्ट देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए. इंस्टेंटली तो नहीं बन सकता. और तो रेसिपी में क्या फ़र्क आएगा अगर आप उसी वक्त ही बना लें? क्योंकि इसमें एक चीज़ मैंने ये नोट किया है, अपना खुद जो एग्जर्व करता हूँ मैं, कि जब हम तेल में फ्राई करते हैं ना, जब इसको हम फ्राई करते हैं ना, तो ये अंदर से कच्चापन रह जाता है, फूलता नहीं. क्योंकि रेस्ट जब इसको मिलता है ना, तो वो फूलता है, वो अपनी जो एक चीज़ होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, बाइंडिंग होती है ना, वो खुल के निखरती है चीज़. जो 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 मसाले चीज़ हमने मिलाए हैं, वो पानी का भी इसमें हिसाब होता है कि वो पानी जब इसमें डलता है ना, तो वो फैलता है, वो पानी भी उसको जो जब्स करता है. तो वही वाली बात आ जाती है कि जब भी आप जो है वो कोई भी स्टार्च यूज कर रहे हैं किसी खाने वाली चीज में, तो उसको आपने 10 से 15 मिनट का रेस्ट जरूर देना है, वरना वो वैसा तो शक्ल नहीं आएगी या फिर टेस्ट वैसा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा. तो शेफ, मैं जब तक स्टोव गर्म पे लगा दूँ, गर्म पे लगा दूँ मैं इसको एक मतलब. अच्छा, इसको जब हम मिक्स करेंगे ना, तो हमने पानी का इस्तेमाल करना है. हाँ, जैसे हम कबाब वगैरह बनाते हुए यूजुअली का इस्तेमाल करते हैं. ठीक, तो अब आप फाइनली ये कह सकते हैं कि शेफ़ रिजवान की रेसिपी जो है वो हमने रिवील कर दी है यहाँ पे. अगर आपको शेफ़ रिजवान के जो जायका है वो चाहिए अपने घर पे, तो आप सेम यही रेसिपी जो है वो फॉलो कर सकते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा, एक बता के दिखाइए जल्दी से, क्योंकि हमें ब्रेक पे भी जाना है. तो मैं चाहूँगी कि आप फिर हमने पानी का इस्तेमाल करना. बस रफली इसको, अच्छा मैं इस पर तेल डाल दूँ, ऑयल डाल के कितना और थोड़ा सा और डाल दो, तो ज़्यादा तेल ले लेगा इसमें. सही. अच्छा, ये फ्राइंग पैन पे नहीं कर सकते आप? फ्राई पैन में सिर्फ एक हम कोशिश करेंगे कि दो आए इसमें. अच्छा, चलें आप जल्दी से बना के मिला ला. सही. तो इसको ब्रश कर लें. जो हाथ से करेंगे, लेकिन मुझे थिकनेस चाहिए कि मैं दिखाऊं कि कितनी थिकनेस रखेंगे इसकी. सही. अच्छा जी, जनाब थिकनेस देख लीजिए, इतनी थिकनेस रखनी है आपने चपली कबाब की. और शेफ चपली कबाब तब तक फ्राई करते हैं, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही मजे की रेसिपी बन रही है. देखते रहिए रिवायतों की लज्जत. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और ये देखिए जनाब गर्मा गर्म चपली कबाब जो हैं वो तैयार हो रहे हैं. शेफ आप जल्दी से मुझे बताइए कि देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप फ्लिप करें हमारे व्यूवर्स के सामने कि कबाब टूट नहीं रहे. हाँ. और आपने एक कहा था कि टमाटर अगर हम एंड में लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे, तो आप ये बताइए प्लीज़. कुछ भी नहीं, सिर्फ स्लाइस करना है इसको. स्लाइस करना है. सही. निकलना और ये लगाना है हमने चीनी को. सही. ठीक है, चीनी को लगा के फिर हमने इसमें ये ऐड कर देना है. टमाटर वो करके आपने दबाना है. दबाना है. अच्छा. दबाने के बाद आपने हल्का सा इसको, अच्छा अपसाइड डाउन डालना है. जिस साइड पे टमाटर लगाया है वो साइड आपने नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लाना है, ताकि मूवमेंट पकड़ ले उसको. सही. और टमाटर भी फ्राई हो जाए. दबाया और सही. अच्छा, अभी देखिएगा ये टूटेंगे नहीं कबाब ना. टूटेंगे नहीं.
सही, आप देखिए इतने सारे कबाब बनाए हैं शेफ ने, लेकिन जब फ्लिप कर रहे थे तो कबाब टूटे नहीं, और मैं चाहूँगी ये देखें आप इनको फ्लिप करते हुए दिखाइए। अच्छा, कितनी देर तक एक साइड जो है वो पकानी है? तकरीबन कुछ 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट एक साइड ना, लेकिन हीट के ऊपर है, अगर हीट आपकी अच्छी हो। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे पकाना है इसको, ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। कच्चा नहीं, थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे, लेकिन 3 मिनट मीडियम टू लो, 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम बेटर है, और 3 से 4 मिनट आपने एक साइड को देने हैं ना। ये देखिए, ये देखें जनाब, जबरदस्त। और दूसरा भी आप फ्लिप करेंगे, ये हो चुका है? ये हो चुका है। अच्छा, साइड पे हम जो रखते हैं तवे के, तो हीट नहीं आती वहाँ ज्यादा, तो वहाँ पे फिर जलता नहीं है कबाब ना? जो अंदर की अगर इसकी कमी पेशी होती है ना, तो वो भी पूरी हो जाती है। अच्छा, साइड पे रखते हैं। ओके, देखें ये भी एक ट्रिक है। अब ये देखें ना, हमारी ये तैयार है। ये पलटा, ये देखें बिल्कुल, अरे जबरदस्त। ये देखें आप, दूसरा ही पलटिए और ये देखिए, टूटा नहीं, और टमाटर ही बिल्कुल जो है वो चिपक गया। ये हमारे चपली कबाब हो गए तैयार। अच्छा शेफ, आप बताएं, आप घर पे भी अपने खाना पकाते हैं, फरमाइशें होती हैं, या रेस्टोरेंट में ही खाली आप बनाते हैं, या फिर घर पे खाली साफ बन के खाली टेस्ट चेक कर रहे होते हैं? असल में हमारे पास जो रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं ना, उनके पास इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि वो पका के फिर वो पार्टियाँ हैं, बैंक्वेट हैं, फिर उनमें जाना पड़ता है, उनको उनके लिए खाना अरेंज करना पड़ता है। जब घर तक जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल ही निढाल हो जाते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन, बच्चे हैं, बच्चों को जो है ना, जैसे कि चना चाट, आलू वगैरह, बहुत सारे चटपटे खाने वो बनाता हूँ, बिरयानी बना लेता हूँ। अच्छा। चपली कबाब वगैरह ये है कि खवातीन बहुत कम ही बनाती हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह का जायका उनको नहीं मिलता, लेकिन घर की खवातीन, खुद घर पे मौजूद हो तो कौन रेस्टोरेंट जाके, लेकिन मेरा जो मानना है ना, घर की जो खवातीन है ना, वो बेस्ट है सबसे। ये खवातीन पावर, वहाँ भी मैंने जिंदा घर की खवातीन की दाल चावल भी जो है वो बेस्ट है। बेस्ट क्या बात है, आप तो जबरदस्त। अच्छा शेफ, आपसे बेगम फरमाइश करती है कभी कि भी आज मेरा मूड नहीं है बनाने का, आप बनाएं? जी बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, आप उनको थोड़ा सा टोकते हैं कि आज नहीं, इसमें ये चीज़ कम है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लेती, या कोई ऐसी रेसिपी जो आपने अपनी वाइफ को सिखाई हो बनाना, या जब वो शादियों की आई हो तो आपने कहा नहीं तुम्हारा खाना इतना अच्छा नहीं है, ये ऐसे नहीं, ऐसे दौरान, उस दौरान ये रिएक्शन तो बिल्कुल हमने नहीं देना होता। कोई भी शादीशुदा जोड़ा होगा, जो नई नई शादी करके आएगा, वो कभी नहीं कहेगा कि आपने खाना सही बनाया या नहीं बनाया। ये आपके लिए 6 महीने तक आप बिल्कुल बंद कर दें सोचना। शेफ ने हमें एक और अच्छी टिप भी दी है, तो जब तक दो बेचारे चपली कबाब, या मैं बोलूं कि नहीं आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, आपको पता है कि घर में वाइफ घर में ही रहना है, नहीं वाइफ के साथ घर पे भी रहना है, दूसरी उसकी अपनी भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, घर संभालना होता है, फिर बच्चे हैं, फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसका एहसास भी रखना चाहिए। हाँ, स्वीट ऑफ यू सर जी, बहुत ज़बरदस्त। चले जनाब, इसके साथ ही जो है वक्त हुआ है रेसिपी कार्ड के रीकैप का, जल्दी जाइए और हमारी रेसिपी जो है वो नोट करिए, फिर आपके सामने इसकी गार्निशिंग करेंगे। चपली कबाब, अज्जा, कीमा आधा किलो, कटी प्याज 200 ग्राम, कटे टमाटर 500 ग्राम, कटी हुई हरी मिर्च 50 ग्राम, हरी मिर्च 20 ग्राम, धनिया 1 गट्ठी, चर्बी 100 ग्राम, लहसुन 50 ग्राम, कुटी हुई मिर्च 50 ग्राम, हल्दी 15 ग्राम, कुटा हुआ धनिया 10 ग्राम, नमक हसबे जायका, जीरा 10 ग्राम, तेल 200 ग्राम तलने के लिए, अंडा 1 अदद, मकई का आटा 150 ग्राम। तरकीब, एक बर्तन में कीमा, नमक, जीरा, धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, अदरक, लहसुन और काली मिर्च, प्याज, अंडा। तरकीब, एक बर्तन में कीमा और तमाम अज्जा डालकर मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दें। इसके बाद इसके चपटे चपटे कबाब बना लें और एक पैन में तेल डालकर शैलो फ्राई कर लें। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर होने पर सर्विंग प्लेटर में निकाल लें। मज़ेदार चपली कबाब तैयार हैं। जी जनाब, रेसिपी कार्ड आपने नोट कर लिया होगा, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, और ये भी तैयार है, हम इसको डिश आउट कर लें जी। अच्छा, इसे सर्विंग कैसे करेंगे, गार्निशिंग कैसे करेंगे? मैं चाहती हूँ कि होटल स्टाइल जो है वो हम गार्निशिंग करें इसकी, और ये देखिए, चलें ज़बरदस्त, ये भी तैयार हो गए। अच्छा, इस पर करेंगे आप प्लेटिंग इसकी? सही। अच्छा जी, प्लेटिंग के लिए आपने क्या यूज़ कर रहा है? प्याज यूज़ करिए। प्याज यूज़ करना है, प्याज को बिल्कुल बारीक सा काटेंगे स्लाइस। आपके घर में आपके अलावा किसको शौक है इस कलनरी में आने का, इस फील्ड में? आपकी बेटी को शौक है? हाँ, ज़बरदस्त। कितनी बड़ी है वो, बनाती है तकरीबन कोई
आपकी जो है ना तकरीबन 11 माशा से फिर बेकिंग वगैरह करती हैं या फिर ये आपके साथ? मेरे साथ सिर्फ हेल्प कर लेती हैं। अच्छा, तो उनको शौक है? उनको शौक है। जबरदस्त। चैलेंज के होता है ना कि घर में पेरेंट्स से इंस्पायर होकर बच्चे जो हैं वो उनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, उनकी उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, ये सैलेड बना रहे हैं गार्निशिंग के लिए, खाली इसको यूज़ करेंगे? चपली का आप ज़्यादातर वैसे रायते के साथ ही वैसे भी खाए जाते हैं, लेकिन वैसे प्रेफर क्या करते हैं आप? सर्व कर रहे हैं वैसे, हम इसमें पुदीने की चटनी हो गई, टमाटर की चटनी हो गई, या फिर हम केचप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनियों के साथ ऐसे कॉम्बिनेशन देसी चीज़ों का आई गेस ज़्यादा अच्छा लगता है, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फ्लेवर पसंद है। तो ये देखिए जनाब, अच्छा ये आप ये देखें किस तरह से उन्होंने फटाफट से जो है वो एक गार्निशिंग के लिए चीज़ तैयार कर ली है। आप देखें किस तरह से इसको ये डेकोरेट करेंगे। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। ज़बरदस्त जनाब, ये देखें। आप सोचें अगर घर में आपको डिनर पे या लंच पे इस तरह का प्लेटर मिल जाए तो इंसान का दिल ही नहीं चाहेगा कि ख़राब करें। ज़बरदस्त। और जनाब बेहतरीन से हमारे चपली कबाब जो हैं वो तैयार हैं, और ये देखिए ज़बरदस्त चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। चलें जनाब, इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच शेफ, आपने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारे साथ शेयर करी और अपना सीक्रेट आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड होता है ख़त्म। अगर आपके पास ऐसी कोई रेसिपी है जो आप चाहते हैं हमारे साथ या फिर हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना, तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हम आपको इन्वाइट करेंगे अपने शो पे, और ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको देंगे जहाँ आप पूरे पाकिस्तान के साथ या फिर पाकिस्तान के बाहर भी जो मालिक हैं उन लोगों के साथ आप हमारी रिवायती रेसिपी जो है वो शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।